एक एक ब्लॉक डेवलप करते। आई थिंक ये हुआ था ब्लॉक डेवलपमेंट, लेकिन अब ये फाइनल एक टेम्पलेट बना लेंगे तो खत्म हो गया फिर हमारा काम, है ना। फिर उसके बाद आपको बस यही मल्टीपल पेजेस बनाना है। अभी मैं बना रहा हूँ शॉप का पेज, शॉप यानी कोर्सेज जहां पर मैं डालने वाला हूँ। फिर अगर आपका प्रोडक्ट है तो आप क्या करोगे, प्रोडक्ट का पेज बनाओगे। ओके, तो प्रोडक्ट्स में भी कैटेगरी रहेगी, तो इलेक्ट्रॉनिक्स का एक अलग से होगा, शूज का अलग से होगा, सबके अलग 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 ऐसे बनेंगे, लेकिन टेम्पलेट एक ही होगा। जैसे फ्लिपकार्ट पे आप अलग अलग कैटेगरीज पे भी चले गए लेकिन दिखता एक जैसा ही है ना, तो टेम्पलेट एक ही होगा। एक टेम्पलेट बना लो मेहनत से, बाद में ये देखो अभी ये दिख रहा है, ये ऊपर बैनर है, फिर ये ऐसा आया, फिर ऐसा आया, ऐसा आया। अब मैं किसी कैटेगरी में घुस जाता हूँ, ये सीविंग मशीन में चला जाता हूँ, ये दिख रहा है, ये ऐसा आ रहा है। अगर आप किसी और कैटेगरी में जाओगे तो भी ऐसा ही आएगा, लिस्ट ऐसा ही आएगा। ठीक है, तो ये टेम्पलेट बस एक बार बनाना है आपको। तो यहाँ पर आने के बाद अभी पहले हम इसका स्ट्रक्चर बना लेते हैं। पहले मुझे चाहिए एक बड़ा सा स्लाइडर। ओके, तो यहाँ पर क्लिक करते हैं, लेफ्ट साइड में कहीं स्लाइडर मिलता है क्या, देखो ये देखो स्लाइडर रिवॉल्यूशन है, इमेज कराउजल है, स्लाइड्स है, रिवॉल्यूशन स्लाइडर 6 है। तो आपके पास ये प्लगइन होगा तो ये डालो, नहीं होगा तो जो भी होगा वो डाल दो, यहाँ पर उठा के यहाँ डाल दो। ओके, अब ये खुल गया वो प्लगइन, सर्चिंग मॉड्यूल्स या फिर ओन मॉड्यूल्स बोल रहा है। ओके, फिर आप यहाँ पर स्लाइड्स बना के डाल सकते हो। ओके, सिंपल वाला लेते हैं एक बार फिर अभी। से बोलो ना। अभी टेम्पलेट बना रहे हैं हम, इस पेज पे आ गए, आ गए। अरे एक बार फिर से बोलो ना। इस पेज पे आ गए क्या, ये पेज पे आ गए क्या, ये बताओ मुझे। यस सर। आ गए, अब ये पेज का टेम्पलेट बना रहे हैं हम। टेम्पलेट यानी ऐसा टेम्पलेट बनाने वाले हैं हम, ऐसा टेम्पलेट बनाने वाले हैं हम जिसमें प्रोडक्ट्स रहेंगे, डिटेल्स रहेंगे, ये सारा चीज रहेगा, है ना। हाँ दुकान सर, वाला पेज बना रहे हैं ना हम, दुकान की वेबसाइट बना रहे हैं ना। तो अभी यस। अब तक तो सारा हमने सेटअप किया, सेटिंग्स किया, सारे पेमेंट गेटवेज, ये सारा चीज लिंक किया। अब हमें क्या बनाना है, ऐसा पेज बनाना है हमें जहाँ पर प्रोडक्ट बिकने को रख सकते हैं। तो अभी ये पेज बना रहे हैं, मेरे लिए कोर्सेस है, मेरे लिए प्रोडक्ट्स, मैंने इतने दिन दिन इसी पे सीखा है ना, तो मेरे पास एड ऑन यही है। अभी मैंने आपके वूकॉमर्स को भी चालू कर दिया है, आप अगर घर पे प्रोडक्ट्स डाल के ऐसा टेम्पलेट बनाना चाहते हो बना लो। ठीक है, तो स्टार्ट करते हैं हम पहला लेयर। तो अपना लेआउट अभी बनाने वाले हैं ना हम, लेआउट यानी एक मिनट, ये लेआउट होता है ना, ये लेआउट होता है। तो पहले क्या चाहिए यहाँ पर, फिर इसके बाद क्या चाहिए, ऐसा हम पूरा लेआउट बना रहे हैं, टेम्पलेट बना रहे हैं। ओके, अब यहाँ पर मैं पहले प्लस पे क्लिक करता हूँ। पहले मुझे चाहिए सिंगल कॉलम, ऐसा डिवाइडेड नहीं चाहिए, सिंगल चाहिए। ये देखो इस पे भी सिंगल है, ऊपर ऐसा सिंगल है, और इसने यस सर। कराउजल डाला है, स्लाइडर डाला है, हम भी ऐसा ही करते हैं। ओके, बैनर इतने लंबे लंबे आपको बनाने पड़ेंगे। ओके, अब यहाँ पर आ गया, इसको सिलेक्ट कर लिया, ये देखो आगे, अब इस पे क्लिक करो। क्लिक करने के बाद, प्लस पे क्लिक करने के बाद लेफ्ट में ऑप्शन आ जाएंगे। ऑप्शन आने के बाद आप क्या चाहते हो यहाँ पर, तो मैं चाहता हूँ स्लाइडर, यहाँ डालो स्लाइडर। इमेज कराउजल आ गया, डाल देते हैं। ठीक है, अब यहाँ बोला इमेजेस डालो, इमेजेस कैसे डालें, अब आपको साइज वाइज इमेज डालने पड़ेंगे, है ना। डाल के देखते हैं पहले कैसे आ रहा है, फिर देखते हैं इसको, स्क्वायर में आएगा शायद, स्क्वायर में आ रहा है, आपको लंबा सर वाला बनाना पड़ेगा। वर्टिकल में नहीं आया वो। हाँ आएगा ना, डालना पड़ेगा ना मल्टीपल, मैं साइज देख रहा हूँ। ठीक है, अब यहाँ थंबनेल साइज है, इसको लार्ज किया तो लार्ज आएगा, है ना, अलग अलग साइजेस है। तो इसको हम क्या करते हैं, पहले बैनर बना लेते हैं। यहाँ पर आ गए, अब मुझे लंबा वाला बैनर चाहिए, लंबा वाला मतलब 1080x300 ऐसा कुछ बनाता है। ओके, ये कितना होगा, इसका साइज निकाल सकते हो, इसको राइट क्लिक करो, इंस्पेक्ट करो, देखो इसका साइज कितना है, ये देखो यहाँ पर बता रहा है
लेकिन साइज नहीं है इसका, तो इमेज डाउनलोड करके साइज चेक करना पड़ेगा। राइट क्लिक करते हैं, ओपन इमेज इन न्यू टैब, इमेज आ गया यहाँ तक, ये तो बहुत ही छोटा है। थंबनेल ले लिया उसने, थंबनेल ले लिया, इसको लेना पड़ेगा ना, इसको लेना पड़ेगा। ओपन इमेज इन न्यू टैब, ये आ गया, इसका साइज चेक करना है हमें। फिर साइज कैसे चेक किया आपने? चेक नहीं किया अभी, इसको राइट क्लिक किया, ओपन इमेज इन न्यू टैब किया अभी, ओके यहाँ पर आ गया। अभी साइज चेक करने के लिए पहले इसको डाउनलोड कर लेते हैं प्रॉपर्टीज में, ठीक है। एक तो इसके प्रॉपर्टीज में दिखाई देगा, नहीं तो कोई टूल यूज कर लेंगे हम, ठीक है। यहाँ पर इमेज इमेज साइज चेकर ऐसा ढूंढ लेते हैं, तो वहीं पर ढूंढ लेते हैं इमेज साइज चेकर, यहां पर डाल दो। आई साइज यहाँ पर है, इंचेस में बता रहा है ना, आपको पिक्सल में चाहिए। ये पिक्सल में 844 by 140 पिक्सल, तो यहाँ पर जाके यहाँ पर डाल दो 844 by 140 क्रिएट। फिर एक कैनवास आएगा आपके सामने, आ गया कैनवास, अब यहाँ पर कुछ टेम्पलेट्स है पहले से बने हुए, आपको इसमें से कोई यूज करना है तो यूज कर सकते हो, ओके। तो यहाँ पर मैं डालता हूँ, जैसे डिजिटल मार्केटिंग का कोई है नहीं है, यहाँ पर मैं एजुकेशन का डाल देता हूँ, काफी सारे, ठीक है। तो यहाँ पर मैं फिलहाल कोई भी उठा लेता हूँ, इसको उठा लेता हूँ, ओके, यहाँ पर डाल देता हूँ। क्लासरूम ट्रेनिंग, और एक बना लेते हैं फॉर ऑनलाइन ट्रेनिंग, ओके। ये क्लासरूम ट्रेनिंग हो गया, इसको डाउनलोड। ये आप किस में से कर रहे हो अभी, मतलब ये टेम्पलेट कैनवा, कैनवा कैनवा में से, ठीक है। क्लासरूम ट्रेनिंग का एक डाल देता हूँ, दूसरा एक बना लेंगे, क्योंकि कराउजल चाहिए, स्लाइडर चाहिए ना, एक ऑनलाइन ट्रेनिंग का बना लेंगे। तो यहाँ पर ऑनलाइन कोर्सेस, ओके। मैं ऐसे ही अभी ज्यादा इस पे क्रिएटिव नहीं बना रहा हूँ, मैं आपको सिखाने के लिए फास्ट फास्ट दे रहा हूँ। डाल दिया यहाँ पर आके, अभी इसमें डाल देते हैं अपलोड। कराउजर लो या आप स्लाइडर भी ले सकते हो, ऐसे कुछ जरूरी नहीं है, मैं कराउजल फ्री में ऑप्शन है यहाँ पर इसलिए डाल रहा हूँ, बाद में आप मेटा स्लाइडर या कोई और स्लाइडर भी यूज कर सकते हो। एक और डाल देते हैं यहाँ पर,
ओके, दोनों इमेज सिलेक्ट करके ब्राउजर बन जाएगा। क्रिएट, इंसर्ट। अब देखो थंबनेल साइज आ रहा है ना, इसको चेंज कर देंगे। इसको ओरिजिनल दिख रहा है क्या कहीं पर? नहीं है। सिंगल दिख रहा है क्या? नहीं। चलो फुल लगा देते हैं, फुल। अब पूरा आना चाहिए। आ गया कराउजन रिव्यू। बाजू में देखते हैं कैसे लोड हो रहा है। ऐसे आ रहा है और स्लाइड भी हो रहा है। ये देखो ये मल्टीपल आ गया, दो तीन बार आ गया, बिकॉज कराउजर लिया है ना, स्लाइडर नहीं लिया हमने। स्लाइडर कोई पेड लेना पड़ेगा क्या या फ्री में है अवेलेबल? हाँ, प्लगइन डालना पड़ेगा। मेरे पास जो है वो बहुत ही क्या बोलते हैं वो, खतरनाक है, बनाने को थोड़ा सा मुश्किल जाता है। वो जो स्लाइडर रिवॉल्यूशन है ना, वो थोड़ा सा मुश्किल है। दिखाता हूँ मैं आपको, ठीक है? यहाँ पर आ गए स्लाइड्स। कहाँ गया स्लाइडर? रिवॉल्यूशन स्लाइडर, नो स्लाइड्स, बनाना पड़ेगा स्लाइड। वो उसके प्लगइन में जाके बनाना ही पड़ेगा। स्लाइडर का प्लगइन ऐड करना पड़ेगा ना? यहाँ स्लाइडर बनाना पड़ेगा सबसे पहले, फिर होगा। सर अपने को हर एक चीज के लिए एक नवा प्लगइन लगेगा? कुछ चीजों को, जैसे आप कितने स्पेसिफिक है उसके ऊपर डिपेंड करता है। आपको चाहिए तो डालो, नहीं चाहिए कैसे भी आप क्या कैसे भी बना के डाल बना सकते हो ना वेबसाइट, लेकिन आपको अच्छा ही चाहिए तो कहीं ना कहीं से तो अरेंज करना पड़ेगा ना। तो बनाना है तो बनाओ, ऐसा कुछ नहीं है। ओके सर, ऐसा नहीं है कि हर एक प्लगइन मेरे को एक ही चीज, एक ही इसमें प्लगइन में मिल जाए जो भी चीज मेरे को चाहिए? पेज बिल्डर है ना, पेज बिल्डर में हो जाता है अपना काम। पेज बिल्डर में हो रहा है ना काम अपना, ठीक है? इमेज डाल देते हैं। चलो तो यहाँ पर इमेज ये है, लेकिन ये लॉक है, ये प्रो वाला है। यहाँ पर हो जाता स्लाइड, लेकिन ये प्रो वाला है। ये डाल दे क्या? इमेज कंपैरिजन, इंसर्ट, और ये इंसर्ट, ऐसा आएगा, ठीक है? ये भी अच्छा लग रहा है। अगर आप स्लाइड करोगे ना तो वो दिखाई देगा ऐसे, आधा ये आधा है ऐसा दिखाई देगा, मस्त लगता है ये भी। ठीक है, दोनों आ गए। स्लाइडर का है इसका, ये देखो, ये ऐसा किया तो ऑनलाइन आएगा, ऐसा किया क्लासरूम आएगा, ठीक है? तो ये आफ्टर एंड बिफोर वाला है। चलो ये डाल देते हैं, ठीक है? इसके बाद ये हो गया फर्स्ट इस ब्लॉक का। आपको और भी कोई सेटिंग करना है तो यहाँ पर देखो, आपको ऑप्शन मिलता है कंटेंट विड्थ, बॉक्स टेन है, ये बॉक्स टेन है, देखो यहाँ खत्म हो रहा है, यहाँ बाजू में नहीं जा रहा है। मैं चाहता हूँ फुल विड्थ हो जाए, तो यहाँ पर करो फुल विड्थ। अब ये पूरा एंड टू एंड हो जाएगा, ठीक है? ये देखो पूरा हो जाएगा एंड टू एंड, ये ऐसा स्टार्ट से एंड पूरा हो जाएगा, ठीक है? जैसे फ्लिपकार्ट का है, दिख रहा है? एंड टू एंड हो गया। इसके बाद और क्या ऑप्शन है? कॉलम्स गैप, ठीक है? अभी इसमें कॉलम है ही नहीं, एक ही कॉलम है, नहीं तो दो कॉलम के बीच में आप गैप डाल सकते हो। बिसाइड यानी बाजू में, हाइट ऊपर नीचे, ये कॉलम अलाइनमेंट एक ही है इसलिए इतना मैं सोच नहीं रहा हूँ, और उसमें बस फोटो ही डाला इसलिए ये कुछ काम का नहीं है, आगे देखेंगे इसको हम, ठीक है? स्ट्रेच सेक्शन, ये स्ट्रेच करेगा और, ठीक है? इसके बाद एचटीएमएल टैग, फोटो डाला है तो जरूरत नहीं है टैग डालने की। स्ट्रक्चर ये ऐसा 100 का, ये इसका कॉलम का स्ट्रक्चर है। अब इस पे क्लिक करते हैं, ये पेंसिल दिख रहा है। अब ये इस एलिमेंट के सेटिंग्स में आ गए। देखो एडिशनल सेटिंग्स में क्या है, नो ओवरले, ठीक है? इसके ऊपर कुछ नहीं चाहिए। बिफोर स्टार्ट अमाउंट,
मतलब इसका सेटिंग होगा, ये जो फीचर डाला है ना हमने, स्टार्ट अमाउंट कब कहाँ से स्टार्ट, तो 5 से बोल रही है, इसमें 1 to 10 होगा, जिसमें 5 यानी 50% होगा, हॉरिजॉन्टल है इमेज तो हॉरिजॉन्टल, वर्टिकल होगा तो ऐसे ऐसे भी कर सकते हो उसको पकड़ के, बिफोर एंड आफ्टर टाइटल, तो यहाँ पर टाइटल भी डाल देते हैं ना, ऑनलाइन कोर्सेस एंड आफ्टर में ऑफलाइन कोर्सेस, कहीं तो अपियर करेगा, देखो ऑनलाइन कोर्सेस ऑफलाइन कोर्सेस, अच्छा लग रहा है ये। ओके लेबल पोजीशन टॉप सेंटर एंड बॉटम ऐसा है, तो ये सेंटर में भी रख सकते हैं, देखो ऑनलाइन एंड ऑफलाइन। इसके बाद स्टाइल में कलर वगैरह देना है, कुछ बैकग्राउंड में दे सकते हो। ओके इसके बाद बिफोर एंड आफ्टर लेबल को कुछ देना है डिजाइनिंग, तो ये ट्रांसपेरेंट है ना, इसको कलर भी दे सकते हो ना, कलर दे देते हैं, कुछ ब्लैक देते हैं, ये देखो ब्लैक हो गया, ऑफलाइन ऑनलाइन ब्लैक हो गया। इसके बाद एडवांस में आपको मार्जिन वार्जिन, देखो कितने सारे चीजें हैं, मोशन इफेक्ट है, बैकग्राउंड है, बहुत सारा चीज है। ओके डिलीट करना है, राइट क्लिक करो डिलीट कर दो। ओके नेविगेटर में अभी हमने नेविगेटर देखा, पहले बताया था मैंने नेविगेटर, ये देखो एक ही एलिमेंट डाला है तो एक ही आएगा, कॉलम वन उसमें एक एलिमेंट, कॉलम में और एक डालना है नीचे डाल सकते हैं हम, ठीक है नहीं डालेंगे हम। अब ये स्लाइडर के बाद कितना गैप छोड़ा है फ्लिपकार्ट ने, थोड़ा सा गैप है ना, इतना सा गैप है तो हाँ। एक बार नेविगेटर क्या रहता है समझाओ ना, क्या नेविगेटर क्या रहता है एक बार समझाओ ना नेविगेटर। अभी आप जो जो एलिमेंट्स यहाँ डाल रहे हो, जो जो एलिमेंट्स आप डाल रहे हो ठीक है, आपको हाँ। पता नहीं है ना यहाँ पर इसके बीच में कुछ है, यहाँ पर बैकग्राउंड में कुछ फोटोज है या कुछ है, तो आपको नेविगेटर में समझता है ठीक है हाँ, तो आसान पड़ता है आपको यहाँ वहां ले जाना, नेविगेट करना ठीक है। आप जैसे इस पे क्लिक करोगे, भले आप नीचे हो, इस एलिमेंट पे जैसे क्लिक करोगे ऊपर आ जाएगा फटाक से ठीक है। अब यहाँ पर दूसरा डालते हैं, मैं कॉलम लेता हूँ, थोड़ी जगह छोड़नी है मुझे, तो यहाँ पर स्पेसर मिलता है आपको, तो यहाँ मैं स्पेसर डाल देता हूँ, प्लस ये दिख रहा है डिवाइडर स्पेसर, स्पेसर डाल देता हूँ। ओके बॉर्डर दिया है क्या इसने, दिया है थोड़ा सा है ना, लेकिन बॉक्स है वो, देना है तो दे दो अलग से ठीक है, थोड़ी जगह दे दी। फिर से अब नीचे क्या डालने हैं, प्रोडक्ट्स डालने हैं, प्रोडक्ट्स है यहाँ पर हाँ प्रोडक्ट्स है, तो अभी कितने 1 2 3 4 5 6 और फिर यहाँ ऐड है, 6 डालते हैं, तो यहाँ पर 6 डाल दो, 1 2 3 4 5 6 डाल दिया। हर एक इसमें आपको एक एक प्रोडक्ट डालना है, तो प्लस पे क्लिक करो, यहाँ पर ढूंढो प्रोडक्ट है ना, अब आपको एक्टिव प्रोडक्ट चाहिए, तो मैंने प्रोडक्ट डाला था क्या प्रोडक्ट्स में उस दिन, ज्यादा साइकिल डाला था शायद, देखते हैं आ रहा है क्या, देखो सी प्रोग्रामिंग का आ गया, सारे आ गए तो है ना, इतना नहीं चाहिए, एक एक चाहिए, डिलीट कर देते हैं, प्लस प्रोडक्ट रिसेंटली व्यू प्रोडक्ट्स, प्रोडक्ट रिसेंट, प्रोडक्ट रिव्यूज, बैनर सब कुछ है ना, रिसेंटली व्यू मतलब ऑटोमेटिकली आपने जो देखा है वही आएगा, कैटेगरी वाइज है, फिल्टर प्रोडक्ट्स बाय एट्रीब्यूट या एक्टिव प्रोडक्ट फिल्टर, फिल्टर बाय प्राइस, प्रोडक्ट सर्च जाने दो, ये डाल देते हैं। अब यहाँ पर एट्रीब्यूट से सर्च करते हैं, फिल्टर बाय एट्रीब्यूट बनाई नहीं है हमने सर, ये एक बार फिर से बता दो ना, मतलब आपने ये सारे 4-5 स्लाइड कैसे ऑन किए, मतलब ये सेकंड वाला। हाँ तो मैं क्लोज करता हूँ इसको, प्लस पे क्लिक करो, यहाँ दिख रहा है 6 हाँ आ गए, 4 प्लस 6 आ गए, प्लस इस पे क्लिक करो, ये आ गया। अब यहाँ पर प्रोडक्ट डाल दो, तो प्रोडक्ट्स मेरे पास कोर्सेस एक्चुअली प्रोडक्ट है नहीं, तो फीचर्ड कोर्स ओके यहाँ पर डाल देते हैं, एक आ जाएगा, आ गया फीचर्ड कोर्स निकाल देता हूँ मैं, ये टीचर भी निकाल देता हूँ, लेसन भी निकाल देता हूँ, थंबनेल चाहिए लेकिन थंबनेल डाला हुआ नहीं है, डाल देंगे इसको भी, प्राइस भी निकाल देता हूँ, एनरोल स्टूडेंट्स भी निकाल देता हूँ, डिस्क्रिप्शन लेंथ नहीं चाहिए, डिस्क्रिप्शन भी ओके। एक प्रोडक्ट डाल दिया, एलपी कोर्सेज भी निकाल देता हूँ,
कोर्सेज में ज्यादा ही डिटेल्स आते हैं, प्रोडक्ट में इतना आता नहीं है, ठीक है। सेकंड में क्या डालूं, सेकंड कोर्स या प्रोडक्ट, ओके। वही आ रहा है फिर से। ये जो आप अभी प्रोडक्ट ले रहे हो, ये बाय डिफॉल्ट आपके सर्वर पे मेंशन है क्या? कल डाले थे ना हमने आपके सामने, इवेंट डाले ना, प्रोडक्ट्स डाले थे ना, साइकिल डाली थी, देखो। हाँ, हाँ, तो वो आएगी, वहां से इंपोर्ट हो जाएगा। सर ये हाँ। पे आप हम लोग फॉर एग्जांपल के लिए जैसे सीख रहे हैं, तो इसमें प्रोडक्ट ही डाल दो सर, कुछ भी ऐसे। प्रोडक्ट कल डाला था मैंने, लेकिन वो साइकिल का आ नहीं रहा है यहाँ पर। नहीं तो अभी दूसरे वहां पे तो अपने को इमेज ही डालना है सिर्फ अभी। हाँ तो वो डालने को टाइम लगे, ठीक है डाल देता हूँ, ठीक है। कल का ही सेशन फिर से होगा प्रोडक्ट डालना है, यानी है ना। तो अभी ये पेज बना रहे थे ना, तब प्रोडक्ट का पेज बनाना पड़ेगा, ठीक है। ये देखो, एड न्यू प्रोडक्ट, ओके, यहाँ पर डाल देंगे। ये ऐसे भी कर सकता हूँ ना, यहाँ पर डायरेक्टली प्रोडक्ट ही डालना है ना मुझे। एक मिनट, मैं यहीं पर बना लेता हूँ ना प्रोडक्ट, डिलीट, मुझे प्रोडक्ट ही दिखाने है ना। तो यहाँ पर एक ऑप्शन मिलता है आपको, इमेज बॉक्स, इमेज बॉक्स, या वू कॉमर्स भी मिलता है यहाँ पर। यहाँ पर सीधा डालो वू कॉमर्स, ये दिख रहा है वो कॉमर्स, ये प्रोडक्ट्स लॉक है, लेकिन सारा कुछ लॉक है इसका। शॉप प्रोडक्ट ग्रिड ये है ना, ये तो आ गया। इतने कॉलम की जरूरत नहीं है, फिर मैं एक ही डाल देता हूँ, प्लस ये प्लस वो कॉमर्स, ये है प्रोडक्ट्स, ये भी है, आ गए सारे प्रोडक्ट्स। इसका फोटो है, बाकी के फोटोज नहीं है, ठीक है, बस इसी का फोटो है। इसका फोटो, इनके फोटोज डालने पड़ेंगे, नहीं तो इसका निकालना पड़ेगा। ठीक है, समझ में आया? तो ये प्रोडक्ट्स डाले हुए थे कल, डायरेक्टली आ गए यहाँ पर। कहाँ से आए? यहाँ पर प्रोडक्ट डाला, दिखा देता हूँ क्या डाला था, साइकिल, यहाँ पर उसका फोटो डाला था, यहाँ पर उसका डिस्क्रिप्शन डाला था, और यहाँ पर उसके प्राइसिंग वगैरह डाली थी, ठीक रहा है। ऐसे मैंने यहाँ पर प्रोडक्ट्स डाले हुए हैं, ये देखें, ओके, ये प्रोडक्ट डाले हैं, ये साइकिल ड्राफ्ट में था इसलिए नहीं आया वो। ठीक है, तो ये प्रोडक्ट्स डाल दिए, प्रोडक्ट्स यहाँ पर सारे वन बाय वन आ गए, ओके। ग्रिड ऑप्शन में कुछ दिख रहा है, कॉलम्स तीन है, कितने चाहिए आपको, छह कर दो, यहाँ पर छह आ गए, देखो एक दो तीन चार पांच छह, ये नीचे सातवा आ गया, ठीक है। इसके फोटो नहीं, फोटो होता तो ऐसा आता, ठीक है, ये दिख रहा है, फोटो होता तो ऐसे आता। यहाँ पर विशलिस्ट का ऑप्शन है, कंपेयर का ऑप्शन है, एड टू कार्ट का ऑप्शन है, ओके। प्रीव्यू करें, ये देखो, ये कोर्सेस पूरा बड़ा स्लाइडर हो जाएगा, ये हो गया ऑफलाइन कोर्सेस, ऑनलाइन कोर्सेस, नीचे प्रोडक्ट्स आ गए। एक के नीचे एक क्यों आया, ये इसको साइड बाय साइड करना पड़ेगा, उसका भी सेटिंग होगा। कॉलम्स, कॉलम गटर, रो गटर, यानी क्या है ये, पेजिनेशन, नंबर, नेविगेशन बटन, इंटरनेट स्क्रॉल, क्वेरी, ये लेआउट का है,
यूज समझना चाहिए। यहाँ तो प्रॉपर ऐसा आ रहा है, पेज पे एक के नीचे एक आ रहा है, ठीक है, घूम रहा है, मे बी बाद में एडजस्ट हो जाएगा। बहुत ही बड़ा आ गया है। इमेज साइज डीप से बाय डीप से अब छोटा हो जाएगा रिव्यू। इफेक्ट्स वगैरह तो सही आ रहे हैं इसके, ऐसे धीरे धीरे जो आ रहा है ना अच्छा लग रहा है वो, लेकिन साइड में नहीं आ रहा है। ठीक है, पूरा बना लेते हैं फिर देखते हैं इसको। ठीक है, अगर ये नहीं जमा तो इसको उड़ा दो, इसको उड़ा दो, नया वाला जो दूसरा वूकॉमर्स का ऑप्शन था ना मूव का, वो ले लेते हैं, प्लस इसको डालो, प्लस फिर वूकॉमर्स यहाँ पर एड। अब देखते हैं, ये देख ये अच्छा आ रहा है ना, एड टू कार्ट वगैरह वगैरह ये अच्छा आ रहा है। लेआउट वन ये सेकंड लेआउट दे रहा है इसमें, ये ऐसा है लेआउट है, ये भी अच्छा है। और थर्ड कैसा है, ऐसा है, कोई भी ले लो चलेगा। ठीक है, फर्स्ट भी ठीक है, एड टू कार्ट आ रहा है ऐसे, लेकिन नाम चला जा रहा है ना, ये ठीक है। ओके, सी प्रोग्रामिंग, ये ठीक लग रहा है। अब इसका लेआउट देखो, तीन प्रोडक्ट बोल रहा है, छह करना है मुझे। शो प्रोडक्ट बाय टैग वाइज, ये देखो सारे प्रोडक्ट्स आ गए टैग वाइज, यानी मैंने टैग्स डाले नहीं है एक्चुअली, लेकिन देखते हैं टैग वाइज आ रहा है क्या, नहीं आ रहा है, जाने दो। कस्टम ऑर्डर, ऑर्डर भी आप कस्टमाइज कर सकते हो, आईडी वाइज, नेम वाइज, ऐसे। ठीक है, डिसेंडिंग चाहिए, असेंडिंग चाहिए, फोटो आ गया है यहाँ पर, सबके फोटो डालूंगा सबके आ जाएंगे। कंटेंट सेटिंग, ऐड टू कार्ट बटन का ये प्लस में आइकॉन आ रहा है ना, प्लस के जगह कुछ और करना है आपको, यहाँ क्लिक करो, आइकॉन लाइब्रेरी में आपको अलग कार्ट वाला मिल जाएगा। ये देखो कार्ट, ये क्लिक किया तो देखो कार्ट का बटन आ गया यहाँ पर, देखो आ गया कार्ट का बटन, यहाँ पर भी, यहाँ पर भी, यहाँ पर भी, यहाँ पर भी, हर जगह। ओके, इसके बाद स्पेसिंग वगैरह आइकॉन के, और इसमें स्पेसिंग कितने डालनी है, बहुत डिटेल में आपको ऑप्शन मिलते हैं यहाँ पर। ठीक है, बाकी सब ठीक लग रहा है मुझे। इसके बाद कॉलम ऑप्शन, कॉलम के बीच में स्पेस कितना देना है, ये देखो स्पेस दोगे तो छोटा हो रहा है ना, इतना ही देते, कम देते हैं, जरा थोड़ा सा देते, इतना देते हैं, जाने दो, स्पेस ही नहीं देते, बॉटम में भी नहीं चाहिए। स्क्रॉल कर रहे हो क्या, स्क्रॉलिंग हाँ कर रहे हो स्पेस कम करने के लिए? ये देखो ना, हाँ स्क्रॉल भी करे, ऐसा भी कर सकते हैं, देखो ठीक है, तीन और तीन, इतना पिक्सल का जगह दे दिया मैंने। इसके बाद स्टाइल में कुछ चाहिए, ये जैसे ब्लैक में है ना, ब्लैक अच्छा लग रहा है, या चेंज करें तो ब्लैक के जगह आप दूसरा भी कर सकते हो। ऑप्शन कहाँ पर है, यहाँ पर एक्टिव बटन स्टाइल, एक्टिव बटन स्टाइल कहाँ गया, ये वाला है, ये कलर है ना, चेंज किया तो ये ऊपर वाला बदल रहा है, कैंसिल करते हैं इसको, इसको कुछ नहीं करना था। ठीक है, तो ये सब कलर वगैरह सब चेंज कर सकते हैं, आपको देखना पड़ेगा इसका 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 कलर कैसे चेंज करते हैं। इसके बाद बैज स्टाइल,
कौन सा बैज? ये फॉन्ट फैमिली है, ये फॉन्ट कौन सा चाहिए, वो सारा चीज है। डिफॉल्ट थीम का है वही है, अलग अलग फॉन्ट मत करो, ये फॉन्ट अलग, ये फॉन्ट अलग, अच्छा नहीं लगता, सिमेट्रिक होना चाहिए हर चीज। चलो प्रीव्यू करते हैं इसको, कैसे दिख रहा है पेज, इतना डिटेल में आपको पेज बनाना पड़ता है, ठीक है? तब पैसे मिलते हैं इसके, वेबसाइट डेवलपमेंट के। ये तो मैं मैनुअली टेम्पलेट बना रहा हूँ, टेम्पलेट नहीं तो मिल जाते हैं। ये देखो अच्छा लग रहा है ना, अभी ये स्लाइडर है, ये आपका प्रोडक्ट्स आ गए, और नीचे क्या डाले, इसके नीचे इसमें इसने तीन चार ऐसे बड़े बड़े बैनर डाले हैं, आप भी डालना चाहते हो, चलो डाल देते हैं। यहाँ पर आके एक प्लस पे क्लिक करो, तीन कॉलम ले लो। अरे इसका हमने ये नहीं किया ना, विड्थ नहीं बढ़ाया ना बॉक्स का, इस बॉक्स का विड्थ बढ़ा लेते हैं। इस पे क्लिक किया मैंने ऊपर वाले कॉलम पे, बॉक्स है इसके जगह करो फुल विड्थ, बड़ा हो गया है ना, फुल विड्थ हो गया, पूरा एंड टू एंड प्रोडक्ट्स आएंगे अभी। तो ये बाजू का जो जगह है ये भी हमने यूटिलाइज कर लिया, बड़े प्रोडक्ट दिखेंगे। ओके इतना हो गया, इसके बाद क्या करना है, नीचे हमें वो बैनर डालना है। अभी यहां पर आते हैं, इसका भी बॉक्स साइज अभी चेंज कर लेते हैं, इस पे क्लिक करो, बॉक्स के जगह फुल विड्थ करो, हो गया फुल विड्थ। अब प्लस पे क्लिक करो, और अभी इमेज डालना है आपको, बैनर डालना है ना। इमेज में भी आपको काफी ऑप्शन मिलते हैं, अभी ये देखो इस इमेज पे होवर किया तो कुछ हो नहीं रहा है ना, सादे इमेज ऐसे ही है। आपको होवर वाला इफेक्ट चाहिए तो यहाँ पर डालो, इमेज ढूंढो ऐसा, इमेज बॉक्स वगैरह काफी चीजें मिल जाएगा। इमेज मिला है ना, इमेज मिला, इमेज बॉक्स मिला, इमेज कराउजल मिला है, गैलरी मिला है, इमेज ग्रिड कंपेरिजन तो डाला है हमने, ओके गैलरी डालना है, ये मसूदरी डालना है, सब कुछ है। मसूदरी यानी अलग अलग साइजेस के फोटो भी यहाँ पर दिख जाते हैं। तो मैं क्या डालूं, इमेज डाल देता हूँ, ओके तीन इमेज में डालना है। कौन सा साइज चाहिए, 1024x1024। तो यहाँ पर फिर से आ जाओ कैनवा पे और तीन बैनर बना लो, 1024x1024, ओके। और फिर से डिजाइन, और ऐसा कुछ जो भी प्रोडक्ट है आपका ऐसा बैनर बना लो अच्छी तरह। अब मेरे पास यहाँ के लिए थोड़े से बैनर होंगे, ओके जो प्ले स्टूडेंट है उनका डाल देता हूँ, लेकिन प्ले स्टूडेंट है तो ऊपर लिखना भी चाहिए ना प्ले स्टूडेंट। तो पहले ऊपर एक, ये नीचे एडिट हो रहा है, फिर से ऊपर मैंने एक डाल दिया कॉलम, यहाँ पर भी थोड़ा स्पेस दे देता हूँ ना, स्पेसर डाल देता हूँ या डिवाइडर डाल देता हूँ, डिवाइडर डाल देते हैं, चलो डिवाइडर, ओके एक लाइन आ गई। इसको भी फुल विड्थ करना है, क्लिक करो फुल विड्थ करो, फुल हो जाएगा। इसके बाद यहाँ पर डालना है मुझे हेडलाइन, तो मैं यहाँ पर हेडलाइन ले लेता हूँ, हेडलाइन में मुझे डालना है प्ले स्टूडेंट। तो हेडिंग में भी देखो यहाँ हेड लिखा, बहुत सारे हेडलाइन वाले ऑप्शन आ रहे हैं ना, मूव वाला आया, डुअल कलर हेडलाइन आया, एनिमेटेड हेडलाइन आया, ओके एनिमेटेड यानी ऐसे लाइन खींची जाएगी। उसके बाद मूव वाला देखते हैं, डुअल कलर वाला कैसे लगता है, ये देखो ऐसा आ रहा है ना, मॉडर्न हेडिंग। यहाँ पर क्या लिखे, यहाँ पर ऐसा है ना, जॉइन चेक आर प्लेस्ड स्टूडेंट्स सब हेडिंग 100% प्लेसमेंट असिस्टेंस। इसके बाद हेडिंग डिस्क्रिप्शन कुछ लिखना है तो लिखो, चेक आउट करना चाहिए, चेक आउट,
ये बिजनेस कार्ड कहाँ गया? बिजनेस कार्ड, अच्छा गया। चेक आउट आर प्ले स्टूडेंट्स, इसको सेकंड में डालने से अच्छा इसको करते हैं कॉपी। ओके, तो ये ब्लू में आ जाएगा। इसका कलर चेंज कर सकते हो आप, यहाँ जाओ और यहाँ देखो हाइलाइटेड टेक्स्ट को कलर चेंज कर दो, हैश FF4600 ऑरेंज हो गया। ओके, फिर से कंटेंट पे जाओ, यहाँ पर बाकी का डाल दो। ओके, अब यहाँ फोटो पे क्लिक करता हूँ, फोटो पे क्लिक करता हूँ और प्लेस जो स्टूडेंट है उनके फोटोज डाल देता हूँ। ये देख, इंसर्ट पे क्लिक करो, इमेज डालो, प्लस पे क्लिक करो, सेकंड फोटो, इंसर्ट, इसके बाद इधर जाओ, डाल दिया। ठीक है, अब ये इसमें कराउजल भी डाल सकते थे हम। ओके, लेकिन ठीक है, हमने ये डाल दिया। रिव्यू करो, ओके। तो इतना बना हमारा पेज, अभी कहीं कंटेंट लिखा ही नहीं ना हमने, बस छापते जा रहे हैं फोटो फोटो छापते जा रहे हैं। देखो गैप नहीं है यहाँ पर गैप चाहिए और वो लाइन भी गायब हो गई, इसमें बैठी नहीं। तो आपको यहाँ पर प्लस के ऊपर, यहाँ पर इस लाइन के ऊपर स्पेसर डालना पड़ेगा, प्लस स्पेसर डाल दिया। ओके, इसकी भी जगह बढ़ा सकते हैं, थोड़ा सा बड़ा कर दिया। अब देखो अरेंज हो गया थोड़ा सा। ठीक है, आया क्यों नहीं है, आ जाएगा। ठीक है, तो यहाँ पर जगह दे दी, यहाँ थोड़ा सा गैप आ जाएगा। ठीक है, समझ में आया? अभी ऐसे टेम्पलेट बन रहा है हमारा, ऐसा टेम्पलेट शॉप का पेज है हमारा। ओके, इसके बाद क्या डालोगे और क्या है यहाँ पर? अब कुछ कंटेंट भी डाल दे ऐसा, लेकिन ये देखो ना कितने सारे क्लिकेबल लिंक्स है, क्लिक क्लिक कर सकते। इतने प्रोडक्ट्स तो अपने पास है नहीं, इतने प्रोडक्ट्स तो अपने पास है नहीं, तो कॉन्टैक्ट फॉर्म डाल दे या कुछ कुछ और चीज डाल दे, यहाँ पर वीडियो डाल दे। तो यहाँ पर अभी टू कॉलम लेते हैं, पहले थोड़ा सा जगह स्पेसर। ठीक है, इसको आप इफेक्ट भी दे सकते हैं, इनको इफेक्ट भी दे सकते हैं। यहाँ सिलेक्ट किया मैंने, स्टाइल में जाओ, एडवांस में जाओ, स्टाइल में नहीं, तो ये देखो होवर इफेक्ट है, यहाँ से होवर इफेक्ट देना है इसको, होवर एनिमेशन है, मैं चाहता हूँ पॉप। ओके, ऐसे पॉप होगा, ये देखो ऐसे पॉप होगा, इसको नहीं है, इसको भी दे दो होवर इफेक्ट पॉप वाला। तो ये इफेक्ट्स भी है, इसको इस बॉक्स को आराम से ऐसे लोड करवाना है आपको, फेडेड करना है, फेड लोड करना है, वो भी कर सकते हो। यहाँ पर देखो आपको ऑप्शन मिलेगा स्टाइल में, होवर वाला नहीं ऑप्शन होगा यहाँ पर, मोशन इफेक्ट्स। ओके, यहाँ पर एंट्रेंस एनिमेशन फेड इन, तो ऐसे आएगा आराम से, दिख रहा है? कितने सेकंड्स में चाहिए वो बोल सकते हो आप, माइक्रो सेकंड है वो। तो आपको एनिमेशन ड्यूरेशन स्लो कर लेते हैं, ये देखो आराम से लोड हो गया। ओके, तो ये सारे इफेक्ट्स भी दे दिए, इसको भी दो, इसको भी दो, ऊपर वाले को भी दो। अब फिर से जगह थोड़ी सी, सो कॉन्टेक्ट फॉर्म इंसर्ट करेंगे, ठीक है डालते हैं। ओके, फिर प्लस, फिर ये दो डालते हैं, प्लस इधर डालेंगे कुछ कंटेंट। तो मैं डालना चाहता हूँ कंटेंट का कोई बॉक्स है, टेबल ऑफ कंटेंट्स है, टेक्स्ट बॉक्स है कोई,
टेक्स्ट टेक्स्ट हेडिंग टाइप हेडिंग ब्लॉक कोट टेक्स्ट एडिटर एफएक्यूज वाला होगा यहाँ पर, एफएक्यू एफएक्यू है, इसे डाल देते हैं। ठीक है, इसको भी फुल विड्थ आ गया एफएक्यूज वाला विद अकॉर्डियन, है ना, अच्छा लग रहा है। प्लस में यहाँ पर डाल देंगे कोई इमेज डाल देता हूँ, उसके नीचे कॉन्टैक्ट फॉर्म डाल देता हूँ, इमेज डाल देता हूँ, प्लस कार्टून वाला था ना मेरे पास, ये डाल देता। और यहाँ पर FAQs है, FAQs यानी फ्रीक्वेंटली आस्क्ड क्वेश्चंस। व्हाई या फिर कैन आई या विल आई गेट, क्या डाले इसको क्वेश्चन, जो भी आपको लगता है। व्हाई इंजीनियर्स एकेडमी, हाउ इंजीनियर्स एकेडमी ट्रेनिंग इज डिफरेंट, ठीक है। और यहाँ पर आप उसका कंटेंट लिखोगे कि सिंस इट्स मोर देन 4 इयर्स वी हैव बीन डिवोटेड टू लाइफ ट्रेनिंग टू डेवलप स्किल्स, एंड बाकी ऐसे भर दो यहाँ पर, भरने के बाद ये एफिक्यूज हो गए। ओके, बाजू में इमेज है, इसको भी इफेक्ट वगैरह दे दो, थोड़ा सा अच्छा लगेगा, मोशन इफेक्ट दे दो, मोशन इफेक्ट्स, पॉपअप, पॉपअप में आप जूम डाउन करते, जूम इन डाउन, ये ऐसे आएगा। ओके, डरना नहीं चाहिए कोई, बाउंस इन डाउन ऐसा आएगा। ओके, फिर प्लस अब कॉन्टैक्ट फॉर्म डालते हैं, फिर से थोड़ा स्पेस, इसके बाद प्लस कॉन्टैक्ट फॉर्म, प्लस करो यहाँ, ढूंढो कॉन्टैक्ट फॉर्म, कॉन्टैक्ट फॉर्म का प्लगइन हमने डाला हुआ है, तो कॉन्टैक्ट फॉर्म 7 इसको उठाओ, ये दोनों भी चलेंगे। ठीक है, ये अपना मेरे थीम का है, ये मूव का है, तो हमने कोई प्लगइन डाला था शायद, उसका आ गया वो मूव। प्लीज सिलेक्ट कॉन्टैक्ट फॉर्म, कॉन्टैक्ट फॉर्म बन हो गया। अब इसका बैकग्राउंड थोड़ा सा गंदा लग रहा है ना, चेंज कर देते हैं इसका बैकग्राउंड, इसको पहले कर देते हैं फुल फुल विड्थ, अच्छा नहीं लगता, कॉन्टैक्ट फॉर्म सेंटर में रखो, इसका बैकग्राउंड चेंज कर देते हैं, बैकग्राउंड में इमेज डाल देता हूँ, कोई इमेज डालना, इमेज प्लस एक कोई इमेज है, ये वाली इमेज है, इंसर्ट, अच्छा लग रहा है। अब इसका टेक्स्ट का नाम हो गया, इसको चेंज करना पड़ेगा ना, स्टाइल में इन टेक्स्ट एरिया या लेबल, लेबल लेबल का कलर, टेक्स्ट कलर वाइट करना है, हो गया वाइट। साइज इसकी बढ़ा देते हैं थोड़ी सी साइज, ओके, और इसके ऊपर कोई टेक्स्ट भी चाहिए ना लिखा हुआ, सबमिट योर डिटेल समथिंग, तो यहाँ पर डाल देंगे प्लस हेडिंग लीव योर मैसेज एंड वी विल गेट बैक। ये डाल दिया कॉन्टैक्ट फॉर्म, ठीक है, प्रीव्यू, ओके, कोर्सेस प्रोडक्ट हो गए, इसके बाद नीचे प्ले स्टूडेंट हो गया, नीचे का लोड हो रहा है, गलती से क्लिक हो गया आपका, ठीक है, नाइस।
ये पूरा मैनुअली बनाया, ठीक है, टेम्पलेट यूज नहीं किया है हमने, खुद टेम्पलेट बनाया है। So when we add a contact form, now if somebody leaves the query, then it will come to our email ID. So when we install the plugin, that time only we do that setting, no? Plugin में default ही है वो setting से उठा के email भेज ही देता है। अगर वैसा नहीं तो एक और option है, मैं दिखाता हूँ आप, ठीक है? ये template समझ में आया? Yes sir. अब बाद में आप call to action में और भी डाल सकते हैं, footer अलग से design कर सकते हैं आप, ना? तो ये इसके बाद अभी मैं आपको, ये टेम्पलेट एक बार बन गया ना, ऐसे कितने पेजेस बनाओगे आप अगर शॉपिंग वेबसाइट बना रहे हो, तो हर एक चीज के लिए ऐसा टेम्पलेट लगेगा, करेक्ट? तो बार बार थोड़ी ना ये डिजाइन करते बैठोगे आप, इतना टाइम पास थोड़ी करोगे। तो यहाँ पर जाके आपको ऑप्शन मिलता है सेव करने का, दिख रहा है सेव एज टेम्पलेट, और इस टेम्पलेट को नाम दे दो ये शॉप टेम्पलेट, ये शॉप वन, ओके, एंड सेव कर लो। अब नेक्स्ट टाइम जब दूसरा पेज बनाओगे, बस इस टेम्पलेट को इंपोर्ट कर लो, खत्म हो गया काम। दिखाऊं आपको, चलो ये हो गया, यहाँ सेव हो गया। यहाँ पर अब इसको उड़ा देता हूँ, सबको, सब चीज उड़ा देता हूँ, ओके, सब कुछ उड़ा देता हूँ। उड़ गया, ये गया, ये गया, ओके, खत्म। अब यहाँ पर इस पे क्लिक करते हैं, यहाँ पर है शॉप वन इंसर्ट, यस। अब क्या होगा, पूरा सब कुछ जैसे टेम्पलेट बनाया था वापस आ जाएगा, आ गया। तो अभी आपको नेक्स्ट पेज में बस प्रोडक्ट्स चेंज करना है, तो जूते के पेज पे गए तो जूता चेंज करना, बस और कुछ नहीं करना, ठीक है? क्लियर है? और जो उन्होंने टेम्पलेट बना के दिए हैं आपको, ऐसे ही बना के देते हैं, ठीक है? तो बेसिक वाला टेम्पलेट बना लो, बाद में आप उसमें इफेक्ट्स ये वो ऐड करते रहो, जैसे जैसे लगता है आप इफेक्ट्स ऐड करते रहो उसमें, ठीक है? कोई समस्या है? सो यू वर्किंग अबाउट कॉल टू एक्शन? हाँ वो बताता हूँ मैं, इसका फॉर्म का डेटा बोल रहे हो ना सर? वो मैंने जो टेम्पलेट है ना मैंने लिया था, हाँ। तो वो वाला ना अभी जो आपने रिस्टॉल किया ना पूरा सब कुछ, मुझे आवाज आपकी ठीक से नहीं आ रही है, क्या बोल रहे हो? बीच का पेज ही गायब हो गया है सर। बीच का पेज मतलब? टेम्पलेट जो लिया था ना मैंने, बीच में दो तीन बॉक्सेस थे वो गायब हो गया, व्हाइट आ रहा बस, ये गायब हो गया, बाकी फिर नीचे का आ रहा फुटर गायब हो गया। क्या इसको एलिमेंटर में देखो क्या क्या है, हाँ। यहाँ पर है क्या वो देखो पहले, यहाँ पर क्या था एलिमेंटर से पता चलेगा ना, और उसको वापस से डाल दो। हाँ। अगर यहाँ है पब्लिश्ड है तो उसको उड़ा दो, सेम वापस डाल दो वहां पर, जो गायब है उतना ही एडिट कर लो, उतने ही ब्लॉक्स एडिट कर लो। कॉल टू एक्शन में मतलब आपको अगर गूगल मैप डालना है तो यहाँ पर अभी मैं तीन ले लेता हूँ कॉलम, सो अगर आपको गूगल मैप डालना है तो यहाँ जाओ, प्लस पे क्लिक करो, और एक तो गूगल मैप का भी प्लगइन मिलता है, मतलब दिखाने का तरीका होता है, ये दिख रहा है गूगल मैप्स, यहाँ पर जाके डाल दो। ये डिफॉल्ट इसको भी प्लगइन ऐड करना पड़ेगा क्या सर? ये एलिमेंटर में है, ये एलिमेंटर में है, लेकिन ठीक है आपको चाहिए तो डाल, नहीं भी डाला तो आपको यहाँ गूगल मैप पे मिलता है एम्बेड करने का ऑप्शन, डायरेक्टली कोड देता है गूगल मैप, मैप एम्बेड करने का कोड देता है, ठीक है? आपको कुछ डालने की जरूरत नहीं, इस पे चले जाओ, कोई लोकेशन ढूंढो जैसे इंजीनियर सेक्शन में, ओके, ये लोकेशन है। लोकेशन पे आने के बाद क्यों नहीं आया मेरा, ठीक है, शेयर पे क्लिक करो, यहाँ पर आता है एम्बेड मैप, यहाँ पर आता है मीडियम स्मॉल साइज जो भी है, स्मॉल लेता हूँ, और ये जो कोड है कॉपी करो, इसको कॉपी करके कहीं भी डाल दो। अब मैं मैप नहीं डाल रहा हूँ, मैं डायरेक्टली डाल रहा हूँ
कोड यहाँ पर डिलीट कर दिया, प्लस यहाँ पर डालो कस्टम एचटीएमएल मिला, उठा के यहाँ पर ऐड करो और इस एचटीएमएल में ये जो कोड यहाँ से कॉपी किया था मैप से उसको बस डाल देना, आ जाएगा मैप, आ गया खत्म। लोकेशन सेकंड क्या चाहिए कॉल टू एक्शन में, आपको नंबर चाहिए तो यहाँ पर आपको कॉल नंबर समथिंग मिल जाएगा, कॉल टू एक्शन ही मिला है पूरा, डाल के देखते हैं क्या क्या मिला है। परचेस नाउ यहाँ पर है, परचेस नाउ समथिंग समथिंग, ठीक है ये जाने दो इसको। एक टेक्स्ट ले लो, टेक्स्ट एडिटर, और इसमें बाकी का चीज डालो जैसे एड्रेस हो गया, नंबर हो गया, तो यहाँ पर पहले डाल देते हैं H4 address, okay? नीचे इंजीनियर्स अकेडमी प्लॉट नंबर 10 पुष्पा मोबाइल नंबर कॉल 9130160/9100860। अब ये क्लिकेबल बनाने हैं आपको, इसको सिलेक्ट करो और क्लिकेबल बना दो, ठीक है, या फिर टेक्स्ट में जाओ, ये HTML में बाद में सिखाने वाला हूँ आपको, ahref इज इक्वल टू डबल कोट, पहला नंबर लेते हैं, इसको बंद करो 9130160000, ये बैक क्लोज, फिर इसको भी ahref इज इक्वल टू, इसको बंद करो 9130160000, ये हम बाद में सीखने वाले, आपको जरूरत नहीं है, यहाँ से भी क्लिकेबल हो जाता है नॉर्मल इससे, ठीक है, उसको सिलेक्ट करो, क्लिकेबल कर दो, खत्म हो गया। यहाँ पर आपको एक चीज लिखनी पड़ती है tel कोलन, यहाँ पर भी लिखना पड़ता है tel कोलन, नहीं तो कॉल नहीं लगेगा, क्लिक होगा लेकिन कॉल नहीं लगेगा, तो ये अब tel कोलन है, अभी क्लिक जैसे किया किसी ने तो आपके मोबाइल के कॉल वाले ऐप से कॉल लग जाएगा, हो गया ये दोनों सेटअप हो गया। इसके बाद थर्ड क्या डालना है आपको, we can add our office timing or our like tuition's timing, डालो डालो यहाँ पर ऑफिस टाइमिंग में क्या करना है आपको, जैसे रेडियो बटन वाला चाहिए ना, क्या बोलते हैं, लिस्ट चाहिए, लिस्ट आइकॉन लिस्ट, तो ये इसे उठा के यहाँ डाल दो, ओके फर्स्ट आइकॉन पे जैसे मंडे टू फ्राइडे 9 AM टू 8 PM ये राइट है, ओके, और दूसरा मैं कर देता हूं सैटरडे, सॉरी संडे बंद है ना, क्लोज, एंड थर्ड एक डाल देते हैं सैटरडे हाफ डे वाला, संडे क्लोज, यहाँ पर आइकॉन मैं बदल देता हूँ, गोल वाला था ना आइकॉन का, हो गया हाफ, तो कोई ऑप्शन ही नहीं है, चलो ये ले लेते हैं हम, सैटरडे 9 AM टू 3 PM, ओके हो गया, तीनों चीज डाल दिया, इसके ऊपर हेडलाइन डालना है, हेडलाइन पे डाल दो, हो गया कॉल टू एक्शन, और जो जो डालना है नीचे डालते रहो, ये बन गया हमारा टेम्पलेट, ऐसे आपको पेजेस बनाना है, क्लियर है, इसी को सेव करो, इसी टेम्पलेट को सेव करो और बार बार यूज करो, ये देखो सेव एज टेम्पलेट, बार बार हर पेज पे इसको यूज करो, एक ही अच्छा बनाना है आपको, बाद में मेहनत नहीं करना, ओके। अब हमारा ये था ना एक क्वेश्चन, कॉन्टैक्ट फॉर्म का डेटा,
जैसे ही किसी ने कॉन्टेक्ट फॉर्म भरा आपको ईमेल पे आता है, दिखाऊं आपको मेरे ईमेल पे रहेगा। चलो यहाँ पर ये ईमेल है, इन्फो पे आता है मुझे एक्चुअली, कॉन्टैक्ट फॉर्म, कॉन्टैक्ट फॉर्म, इस ईमेल पे नहीं आता मुझे, इन्फो पे आता है एक्चुअली, यहाँ पर नहीं आएगा वो। इंजीनियर सेकंड नहीं पे है क्या? इनबॉक्स, नहीं आ रहा। ये WP फॉर्म, कॉन्टैक्ट फॉर्म जैसे ही प्लगइन है ना, WP फॉर्म, तो वही आ रहा है। साजन सरिता, वो एक स्टूडेंट ने बनाया था साजन सरिता का वेबसाइट, उसका है। एनीवेज तो यहाँ पर आपको ऐसे आ जाता है, ईमेल आ जाता है किसने किसने भरा है, किसका गया है, और आप ईमेल टू ईमेल उसको रिप्लाई भी दे सकते हो। ठीक है, मैंने दिया था अभी किसी को। यहाँ पर ऑल सेंटर में देखते हैं कौन सा दिया था, कहाँ से दिया। ठीक है, यहाँ यहाँ आ जाता है ईमेल। चलो नहीं तो आप क्या करो, यहाँ पर एक प्लगइन डाउनलोड कर लो, कॉन्टैक्ट फॉर्म 7 एक कॉन्टैक्ट फॉर्म है ना फ्री वाला, WP फॉर्म पेड है। तो कॉन्टैक्ट फॉर्म 7 का, ये कॉन्टैक्ट फॉर्म 7 है, यहाँ कॉन्टैक्ट लिख के आता है, ये कॉन्टैक्ट दिख रहा है, इसके लिए एक प्लगइन मिलता है कॉन्टैक्ट फॉर्म 7 डेटाबेस। तो आपको जिसने इंक्वायरी डाला ना, वो यहीं पर कॉन्टैक्ट फॉर्म 7 के डेटाबेस में दिखाई देगा। ठीक है, आपको अलग से डालने की जरूरत नहीं है, अलग से ईमेल पे जाके देखने की जरूरत नहीं, यहीं पर डेटा आ जाएगा। कॉन्टैक्ट फॉर्म 7 डेटाबेस, ओके, ये वाला, ये तो कॉन्टैक्ट फॉर्म 7, इसे डाल दो आपको यहीं पर डेटा मिल जाएगा। ठीक है, समझ में आया? आप बना सकते हो वेबसाइट। तो वो फॉर्म के लिए कौन सा प्लगइन यूज किया? कॉन्टैक्ट फॉर्म 7, ये वाला। ये तो अभी क्या है ना कि पहले वाला, अभी जो मैंने आपको सिखाया वो यही यूज किया है। पहले यहाँ पर एक डिफॉल्ट में आपको मिलता है WP फॉर्म, यहाँ डिफॉल्ट में मिलता है, आपको डालने की जरूरत नहीं है। तो WP फॉर्म अगर आपको यूज करना है करो, लेकिन थोड़ा सा वो फ्रीमियम टाइप है। ठीक है, अगर आपको वो यूज करना है वो भी कर सकते हो। कॉन्टैक्ट फॉर्म से ही वो पूरा नेम एंड ऑल सब का बना है। हाँ, ये देखो, ये एक है, ये इसमें अच्छा, मतलब बहुत यूजर फ्रेंडली है ये WP फॉर्म, लेकिन पेड है, मतलब कुछ फीचर पेड है, और मुझे इतनी जरूरत नहीं पड़ती, मुझे ज्यादा इंक्वायरीज कॉन्टैक्ट फॉर्म से नहीं आते, तो मैंने कॉन्टैक्ट फॉर्म 7 ही यूज किया, और बहुत पुराना है कॉन्टैक्ट फॉर्म 7, पॉपुलर है, फ्री है, इसलिए मैं वही यूज करता हूँ। ठीक है, ये इसका प्लगइन ऐड करना पड़ेगा क्या? हाँ, ये इंस्टॉल एक्टिवेट करना पड़ेगा। कॉन्टैक्ट फॉर्म 7 अलग से डालना पड़ेगा, WP फॉर्म आप सबके इसमें होगा ही, एक बार देख लो। ठीक है, सबके वेबसाइट पे कॉन्टैक्ट WP फॉर्म ऑलरेडी इंस्टॉल होता है, डिफॉल्ट ही दे रहा है वर्डप्रेस।